नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोटपुतली सहित पूरे प्रदेश में आज शाम 6 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और इस दौरान सोमवार सुबह 5 बजे तक अब बेवजह घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है। आवश्यक सेवाएं व आपातकालीन सेवाओं के अलावा बाजार सहित सब कुछ आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान सरकारी कर्मचारी या आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को भी पहचान पत्र के साथ अनुमति दी गई है। चिकित्सा सेवाएं चालू रहेंगी और इस दौरान टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं, रोगियों को अस्पताल तक आने जाने की छूट प्रदान की गई है। रबी की फसलों की आवक को देखते हुए मंडियों को भी कोविड व्यवहार की पालना के तहत छूट प्रदान की गई है। पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को भी प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा केंद्र तक आवागमन की अनुमति दी गई है। इसी के साथ भोजन व किराने का सामान व ई कॉमर्स के माध्यम से सेवाएं जारी रहेंगी। तो राजस्थान सरकार का कोरोना चैन ब्रेक हेतु यह बड़ा फैसला, जिसमें आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य में लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई है और उसी के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह फैसला लिया है और ट्वीट कर लिखा है कि अब कोरोना का नया रूप प्रकट हुआ है और देश में भयावह स्थिति बनती जा रही है और लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाने जैसे सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। कर्फ्यू के दौरान कोटपुतली शहर की व्यवस्थाओं को लेकर SDM सुनीता मीणा ने क्या कहा है, सुनिए। जैसे कि आप सबको विदित है, माननीय CM साहब ने कल एक घोषणा की है कि शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, जिसके दौरान पूरी दुकानें बंद रहेगी इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर। तो आप सभी से मेरी अपील है कि माननीय CM साहब ने जो हमें आदेश दिए हैं, हमसे अपील की है, हम उनको मानें, जिससे हम जो ये कोरोना है, महामारी है, उससे हम अपना और अपने देश का बचाव कर सकें। इधर कोटपुतली पुलिस प्रशासन शाम को 5 बजे ही एक्शन में आ गया और बाजार में दुकानें बंद करवाकर हाथ रेडी वालों को भी शाम 6 बजे से कर्फ्यू की सूचना देकर घर भिजवा दिया। साथ ही माइक से अनाउंसमेंट करके भी कर्फ्यू की जानकारी दी गई। इस दौरान कोटपुतली SDM सुनीता मीणा व तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा ने भी बाजार का निरीक्षण किया। शहर के मुख्य चौराहों व बाजारों में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात कर दिया गया है। कोरोना के चलते राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज यह जानकारी साझा की और बताया कि देश प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के कारण संक्रमण में तेजी से फैलाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय से जुड़े छात्र भी परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग कर रहे थे और इसी के चलते राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने यह फैसला लिया। कर्फ्यू की सूचना के बाद कोटपुतली बस स्टैंड पर यात्रियों की संख्या में एकाएक इजाफा हो गया, जिसके चलते यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु कोटपुतली आगार प्रबंधक से न्यूज चक्कर संवाददाता सीताराम गुप्ता ने जानकारी ली। आगार प्रबंधक पवन सैनी ने बताया कि सभी बसों को कोरोना गाइडलाइन के तहत सैनिटाइज करवाकर ही भिजवाया जा रहा है। साथ ही बसों में यात्री भार भी 50% कर दिया गया है। हम जो भी हमारी गाड़ी वर्कशॉप से निकल रही है, सर्वप्रथम उस गाड़ी को पूरी सैनिटाइज करते हैं। चालक परिचालक जो भी हमारी गाड़ी को लेके जा रहे हैं, उनके साथ भी सैनिटाइजर मटेरियल हम अवेलेबल कराते हैं कि ऑन द वे रास्ते में भी अगर जरूरत पड़ जाए, कोई केस आ जाए तो गाड़ी को सैनिटाइज किए। बिना सैनिटाइज किए गाड़ी हम नहीं निकालते। जैसे गाड़ी हमारी वर्कशॉप में आती है या ट्रिप मार के आती है, दोबारा हम उसको सैनिटाइज कराते हैं। ये हमारा एक प्राथमिकता के रूप में है। दूसरा, आज से हमने जितनी भी हमारी गाड़ियाँ हैं उसमें जो कैपेसिटी है, सपोज करो अगर मेरी गाड़ी की कैपेसिटी 50 सीटर है तो उसे मैं 25 सवारियां ही अलाउ कर रहा हूँ। दूसरा, जो छोटी वाली गाड़ी 34 सीटर उसे मैं मात्र 17 या 16 सवारी अलाउ कर रहा हूँ। जो सोशल डिस्टेंसिंग है पैसेंजर के बीच में, वो हमने प्रॉपरली मेंटेन करना चालू कर दिया है। बिना मास्क कोई भी पैसेंजर गाड़ी में अलाउ नहीं कर रहे हैं। और अगर किसी के पास गलती से मास्क नहीं भी है तो भी मैंने मेरे चालक प्रचालकों को बोल रखा है, अगर उसको जरूरत है तो उसको ऑन द स्पॉट मास्क भी मुहैया कराने की कोशिश। जो कर्फ्यू में जो संचालन व्यवस्था है उसको इन्होंने अभी रोका नहीं है। संचालन अपना जो 50% कैपेसिटी के साथ चालू रहेगा। अगर इनके लिए कोई गाइडलाइंस हेड ऑफिस से इश्यू होंगी कि कर्फ्यू क्यों रात देर रात अपने चीफ मिनिस्टर साहब ने लगाया,
तो उसके हिसाब से अगर मुख्यालय स्तर से कोई अगर गाइडलाइंस आती हैं, अभी हमारे पास कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं है कि कर्फ्यू में गाड़ियाँ चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, कल जो गाइडलाइंस आई थी उसके हिसाब से अपना जो ऑपरेशन है वो चालू है। अगर कोई फर्दर गाइडलाइंस आती हैं कर्फ्यू पीरियड में, क्योंकि जयपुर में भी लग रहा है, इधर दिल्ली भी लग रहा है, और वो दो दिन अगर चलाना है कि नहीं चलाना है इसका हम वेट कर रहे हैं, जैसे अगर हेड ऑफिस हमारे पास गाइडलाइंस आएंगी उसके हिसाब से हम फॉलो करेंगे। कोटपुतली के निकटवर्ती बहरोड में आज पुलिस प्रशासन ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान बनाए। इस दौरान बहरोड नगरपालिका अध्यक्ष सीताराम यादव भी बिना मास्क के ही दिखाई दिए। नजरें मिली तो बहरोड थानाधिकारी विनोद सांखला ने नगरपालिका अध्यक्ष का चालान बना दिया और साथ ही नसीहत भी दी कि सर आप ही ऐसा करेंगे तो फिर शहर का क्या होगा। Delhi Public World School, Kotputli is world-class 7-acre campus situated in Rajasthan on NH8 near Kotputli, Behror and Neemrana. DPWS has left no stone unturned to learners an education come extracurriculum package that would help them be future ready. The school has GPRS fitted buses. The school has blended learning with smart class facility in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. So, our school's doors are open for all. So, students, those all who are interested in exploring the world, they are welcome to Delhi Public World School. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना पर जानकारी देते हुए आमजन को संदेश जारी किया और कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने की अपील भी की। सुनिए। ये कोरोना घातक रूप ले रहा है, इतनी मृत्यु दर तो पूरे साल भर में कभी भी नहीं हुई थी। उस वक्त पूरे साल भर के आंकड़े देखें तो 20 मृत्यु पर डे मैक्सिमम हुई थी उस दिनों के लिए पूरे प्रदेश के अंदर, और अब कभी 25, कभी 35, कभी 33, मैंने कहा आपको। तो ये जो स्थिति बनी है, घातक ये है, तेज़ी से फैल ये रहा है, नौजवानों बच्चों तक में जा रहा है। आप टीवी देखते होंगे किस प्रकार के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। शमशान ग्रह में जगह नहीं है, वेटिंग लिस्ट लगी हुई है, खुले में दाह संस्कार हो रहे हैं, अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंसेज के लाइनें लगी हुई है, और जो टीवी बता रहा है पूरे देश का पिक्चर वो बहुत ही डरावना है। तो आप सोच सकते हो कि अभी तक उससे बचे हुए हैं। हमारे पड़ोसी राज्यों में जो स्थिति है, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, उस सबसे हम लोग बहुत बेहतर स्थिति के अंदर हैं। महाराष्ट्र की तो आप देख रहे हो कि बहुत ही हालात खराब हो चुके हैं, वहाँ तो 50,000 से अधिक प्रतिदिन वहाँ पर संक्रमित लोग आ रहे हैं, मर रहे हैं काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर। ये डरावना जो दृश्य बना देश के अंदर, दुनिया के मुल्कों में भी जहाँ जहाँ दूसरी लहर आई थी वहाँ बहुत खतरनाक मामले हुए थे। यूके के अंदर तो उन्होंने बहुत कड़ा लॉकडाउन लगा दिया 4 महीने लगातार, और दूसरी तरफ वैक्सीन बहुत भयंकर संख्या में लगाई वहाँ पर, सबको वैक्सीन लगाई। अब जाके हालात वहाँ बिल्कुल काबू में आ गए हैं, नाम मात्र के मरीज आ रहे हैं और इक्का दुक्का मौत हो रही है। हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पर वीकेंड का लॉकडाउन लगाएं या कर्फ्यू लगाएं, क्योंकि जब कोरोना चला जा रहा था तो लोग भी लापरवाह हो गए थे, मास्क लगा नहीं रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग हम कर नहीं रहे थे, हाथ धो नहीं रहे थे। शादी ब्याह में 500,000 तो मामूली बात थी, समझाने के बावजूद भी नहीं मान रहे थे। और आप देख रहे हो कि इलेक्शन के अंदर तो सारी हदें पार हो गई,
जुडिशरी में भी इलेक्शन अलाउ कर दिए, मना करने के बावजूद भी हमने मना किया था तो हमारी बात नहीं सुनी गई। उनका अपना फैसला है, इलेक्शन कमीशन को अपनी ड्यूटी अदा करनी थी, वो भी इलेक्शन कराने लग गए और हम लोगों ने भी गलतियाँ करी। जिस प्रकार से बिहार के चुनाव शुरू हुए थे, लाखों की रैलियाँ हो रही थी, अब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आप देख लिया क्या क्या हो रहा है। बाई इलेक्शन हुए राजस्थान में, तभी रैली हो रही थी, कुछ हद तक तो हम भी जिम्मेदार हैं। तो सवाल ये हमें जनता और आम जनता की, उनको आजीविका भी मिले और उनकी जान नहीं जाए, उनकी जान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जान है तो जहान है, तो जान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। और सरकार कोई कमी नहीं रख रही है, ना कमी रखेगी, ना पहले रखी थी। पहले भी हमने एनजीओ की सहायता से और प्रदेशवासियों के सहयोग से, हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भूखा नहीं सोएगा। मुझे खुशी है, कहते हुए गर्व है कि प्रदेशवासियों ने वही व्यवहार किया, आगे बढ़ बढ़ करके कच्चा खाना पक्का खाना सबको खिलाया गया, पैकेट बांटे गए। विधायकगणों को हमने कहा, उन्होंने अपने फंड से पैकेट दिए परिवारों को। सरकार ने भी गेहूँ भी दालें भी दी फ्री, और 35 लाख लोगों को मैंने बार बार उनके खाते के अंदर हम लोगों ने पहले 1,000, फिर 1,000 और, फिर 1,500, और फिर अभी मैंने हाल ही में 1,000 रुपये और उनके खाते में हमने ट्रांसफ़र किए हैं। 1 किस्त और हम देंगे उनको। परंतु फिर भी आजीविका की जो चुनौती हमारे सामने है वो सब जानते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा किस प्रकार आजीविका चलती रहे, उनको तकलीफ नहीं हो। क्योंकि तकलीफ उसको होती है जो सुबह शाम कमा के खाता है, बाकी लोग तो फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, खर्चे कम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस संकट की घड़ी के अंदर। सेवक सबने किया है, पर गरीब आदमी की स्थिति बहुत ख़राब होती है। हमारा पूरा ध्यान प्रदेशवासियों की समस्याओं पर है, आप निश्चिंत रहें, पूरी तैयारी हमारी अब भी है। आप देख रहे हो ऑक्सीजन की मांग महाराष्ट्र कर रहा है केंद्र सरकार से, आप हवाई जहाज से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करो महाराष्ट्र के अंदर। और केंद्र सरकार ने भी फैसला किया आज कि बाहर के मुल्कों से इम्पोर्ट करेंगे ऑक्सीजन को बाहर के मुल्कों से आयात करेंगे। तो बिना ऑक्सीजन तो आप सोच सकते हो क्या स्थिति बन सकती है। जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ पूरी मिल नहीं पा रही है, इतनी मांग बढ़ गई है। और दवाइयों के साथ में जो हालात बने हैं, तो दवाई हो चाहे ऑक्सीजन हो, कितनी हम बढ़ा दें संख्या, उसके बाद में अगर संख्या बढ़ती जाएगी मरीजों की, तो एक तरफ तो कैजुअलिटी ज़्यादा होगी, लोग तकलीफ पाएंगे, क्योंकि पोस्ट कोविड भी स्थिति अच्छी नहीं रहती है। कोविड ठीक होने के बाद में भी काफ़ी महीनों तक तकलीफ रहती है व्यक्ति को, सांस लेने में के अंदर भी, चलने के अंदर भी कई तरह की प्रॉब्लम रहती है। तो ये कोरोना हो ही क्यों, बचावी उपाय है, ये दिमाग में रखें हम सब लोग। और किसी विशेषज्ञ ने कहा है कि कोरोना की लड़ाई जो है, महामारी की लड़ाई, अस्पतालों में नहीं लड़ी जाती है, ये मैदान में लड़ी जाती है। उसके मायने हैं मैदान में, घरों में, हम सब जो है किस प्रकार से जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, बचाव का, किस प्रकार से हम लोग मास्क लगाएं, किस प्रकार से हम लोग हाथ को बार बार धोएं, किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग रखें, इलाज है ये, वैक्सीन की तरह ये प्रभावशाली होता है मास्क लगाना। वैक्सीन की कुछ कमी हो गई केंद्र में, वो भेज नहीं रहे राज्यों को, हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हम संपर्क में केंद्र सरकार के, उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन आती जाएगी, हम लगाते रहेंगे। वैक्सीन लगने के बाद में कम से कम जिंदगी जाने का खतरा खत्म हो जाता है। हर व्यक्ति को गैस वैक्सीन लगानी है, मैंने भी पहली डोज दूसरी डोज लगा ली है, आप सबको लगानी है। सरकार पूरी व्यवस्था करने में लगी हुई है, चाहे वो इलाज हो, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग
सब मिलकर के, मैं तो आह्वान करना चाहूँगा प्रदेशवासियों को, सभी तबकों को, सभी वर्गों को, सभी संगठनों को, पिछली बार 12 महीने 11 महीने आप लोगों ने साथ दिया, जिस रूप में एक दूसरे के काम आए आप लोग, इमदाद करी, उसके कारण से राजस्थान कामयाब हुआ कोरोना जंग को जीतने के अंदर। अब भी जंग जीतेंगे हम लोग, मुझे पूरा यकीन है। आप सब कॉन्फिडेंस बना रहे, हौसला बुलंद रखें, सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी, सारी व्यवस्था हमने करी है, आने वाले वक्त में और हम करेंगे पूरी तरह। हम लोग लगातार गांव के सरपंच पंच तक संपर्क में रहना चाहते हैं, प्रदेशवासियों के तमाम संगठनों से मैंने बातचीत करी है, धर्मगुरुओं से बात करी है, जिससे बात करी है सब लोगों ने विश्वास दिलाया कि हमें जो माहौल बन गया है, हालात हो गए हैं, उसके अंदर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। मैं आपसे अपील करूंगा अंत में कि कृपा करके आप जो फैसले किए सरकार ने, उसको इम्प्लीमेंट करने में आप सहयोग करें। ये नौबत नहीं है कि पुलिस को सख्ती करनी पड़े, क्योंकि हमें जान बचानी लोगों की, और जान बचाने में सख्ती करनी पड़ेगी, वो भी करेंगे, तब जाकर के हम लोग इसको काबू में कर पाएंगे। बड़ा महामारी है, फैलते हुए वक्त नहीं लगता है। 1 अप्रैल 15 अप्रैल के आगे देखेंगे तो आप देखोगे हो क्या गया 15 दिन के अंदर, 30-35 लोग मरना प्रतिदिन, कभी सुना ही नहीं था हमारे राजस्थान के अंदर, वो स्थिति बन गई है। यही बात कहता मैं आपको, मैं विश्वास रखता हूँ कि आप लोग कमी नहीं रखेंगे पूरा सहयोग करने में। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।